डीसीएम ट्रक से 2600 लीटर शराब बरामद, चालक गिरफ्तार। खबर कैमूर जिले से आ रही है, जहां डिड़खिली टोल प्लाजा के समीप मुसर टोली से एंटी लीकर उत्पाद विभाग व दुर्गावती पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में एक डीसीएम ट्रक से 2600 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद कर चालक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चालक कासम अली गाँव मदनापुर जिला बरेली उत्तर प्रदेश का निवासी बताया जाता है। दरअसल जानकारी के अनुसार बताते चले कि सोमवार की दोपहर एंटी लीकर उत्पाद विभाग व दुर्गापति पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक डीसीएम ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बिहार में खपाने के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने टोल प्लाजा के समीप नाकेबंदी की। इस क्रम में उत्तर प्रदेश की ओर से चलकर डीसीएम ट्रक टोल प्लाजा की तरफ आते हुए दिखाई दी। पुलिस ने डीसीएम ट्रक को रोक कर तलाशी ली तो मौके से ट्रक के अंदर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब पाया गया। पुलिस ने शराब को बरामद कर मौके से चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में प्रभारी थाना अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि डीसीएम ट्रक से 2600 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद कर चालक गिरफ्तार किया गया है। चालक पंजाब के अंबाला से शराब लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुआ था। फिलहाल चालक को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कैमूर न्यूज के लिए दुर्गावती से सोनू कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।